आज मैं आप लोगों को दिखाने चल रहा हूँ साउथ बॉम्बे के कुछ बहुत फेमस जगह, जहाँ की यदि आप मुंबई आ रहे हैं तो जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग जगह होता है, बहुत अच्छी जगह है। और कैसे आपको जाना चाहिए, कैसे इजीली आप वहाँ पहुँच सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक प्लेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताते जाऊँगा। और ये प्लेसेस सिर्फ साउथ बॉम्बे के टाउन एरिया में है, मतलब पूरा साउथ बॉम्बे हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, हाफ पार्ट ही कवर कर रहे हैं और हाफ पार्ट को ही दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। ये चर्च गेट स्टेशन है, ऊपर लिखा हुआ है चर्च गेट। यदि आप यहाँ मुंबई में आने के लिए तीन ट्रेन है, तीन लोकल ट्रेन का रूट है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है और हार्बर लाइन है। तो यदि चर्च गेट में आ रहे हैं तो यहाँ से 10 मिनट लगेगा पैदल चलकर जाने के लिए, 10 से 15 मिनट। और ये रेलवे मुख्यालय है, 10 से 15 मिनट यहाँ से लगेगा CST चलकर जाने के लिए, और वहाँ जाकर CST देख सकते हैं। यहाँ से फैशन स्ट्रीट शुरू हो जाता है, इसको FS बोलते हैं, फैशन स्ट्रीट है ये। यहाँ से राइट साइड में लो, यहाँ से मेट्रो तक चला जाता है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया होगा। रोड पर ही दुकानें लगती हैं, कपड़े जूते चप्पल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये CST के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ CST से उतर कर CST स्टेशन, वहाँ से पैदल आकर यहाँ पर शॉपिंग किया जा सकता है। ये आ गया CST स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यहाँ लोकल ट्रेन का एंड होता है, ये एंड पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, राइट लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग राइट ले रहे हैं, यहाँ से ही लगकर ये महानगर पालिका की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इसको देख सकते हैं। और ये CST स्टेशन, ये स्टेशन है, इसको देखने आना चाहिए, हेरिटेज स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है, दो तीन साइड से इसको देखना चाहिए। ये लोकल ट्रेन का लास्ट पॉइंट होता है, तो लास्ट पॉइंट है तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ही लोकल ट्रेन ख़त्म हो जाती है। उतरने के बाद ये बिल्डिंग, CST स्टेशन का बिल्डिंग देखिए, महानगर का बिल्डिंग देखिए, और यहाँ से टैक्सी लेकर आ जाओ इंदर, यहाँ से टैक्सी लेकर गेटवे जा सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। बस का फेयर कितना होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, टैक्सी जाएंगे तो 22 रुपये के आसपास होगा। और काफ़ी भीड़ है, इसलिए रुकना रोड पर और गाड़ी पार्क करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर भी चलते हैं। ये जो बंदोबस्त देख रहे हैं अभी CST स्टेशन से लगकर, ये कल अभी संडे का दिन है और यहाँ पर साल में एक बार मैराथन होता है, काफ़ी बड़ा मैराथन का रेस होता है, 42 किलोमीटर्स के आसपास का कुछ होता है ऐसे ही, तो उसका ही ये अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मुंबई के या बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं और जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये CST स्टेशन का ही दृश्य है जो आप देख सकते हैं, पीछे स्टेशन है और ये रोड पर बनाया जा रहा है लेफ्ट। और अब हम यहाँ से ही लेफ्ट हो जा रहे हैं, चलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में जगह जगह पर कबूतर को खाना खाने के लिए, मतलब चारा पानी के लिए उनको दाना दिया जाता है, पानी वगैरह का व्यवस्था किया जाता है, ये पानी पीने का व्यवस्था है कबूतर को। और ये इसमें लोग अपना आकर चना वगैरह डालते हैं, दाना डालते हैं, बहुत सारे जगह पर ऐसे आपको दिख जाएंगे, इसको कबूतर खाना बोलते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग गेटवे जा रहे हैं, रास्ते में एशियाटिक लाइब्रेरी आएगा, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर हमेशा शूटिंग वगैरह होती रहती है फिल्मों की, और बहुत सारे फिल्मों में आप उसको देखे भी होंगे। तो जब गेटवे की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ध्यान रखेंगे तो एशियाटिक लाइब्रेरी देख लेंगे। ये यहाँ का एशियाटिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर लोग शाम को ऐसे बैठते हैं और बहुत सारे फिल्मों का यहाँ पर शूटिंग हुआ है। चलो, और ये हरमन सर्कल है, मैं यहाँ से इसको एक चक्कर में एक राउंड लेकर दिखाता हूँ। ये सर्कल काफ़ी ब्यूटीफुल है, अंदर जाकर बैठना चाहिए, यदि समय है तो आकर बैठ सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और ये सराउंडेड है बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, इसको देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरुआत हुआ है इसका। और ये पूरा एरिया फिल्म शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग होता रहता है। राउंड लेना है पूरा इस सर्कल का, और ये पार्क है सर्कल। और दूसरे साइड में ये बिल्डिंग, और ये सामने टाटा की बिल्डिंग है।
धीरे। ऐसे ही आकर गार्डन में बैठ सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं, बैठकर वहां से इस नज़ारे का लुत्फ ले सकते हैं। और फिर से यही एशियाटिक लाइब्रेरी सामने आ जाएगा। थोड़ा देर यहाँ समय बिताने के बाद वापस जा सकते हैं। और टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ से नेवी का एरिया शुरू हो जाता है, चीता गेट, ये भी रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है नेवी में एंटर करने के लिए रास्ता, इसको लायन गेट बोलते हैं। ये सामने रीगल सिनेमा है और दूसरे साइड में वैसे ही हेरिटेज बिल्डिंग। यह आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। आगे से चेक इन पॉइंट है, यहाँ से चेक इन करके आप गेटवे के पास जा सकते हैं। अभी हम लोग बाइक से हैं तो अंदर तो नहीं जाएंगे, बाहर बाहर से ही मैं दिखाऊंगा। 10 से 15 मिनट लगेगा सीएसटी स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ से ही बोट मिलती है एलिफेंटा के लिए, बोट पकड़कर एलिफेंटा जाया जा सकता है यहाँ से। गेटवे से लगकर ही है ये ताजमहल होटल, ये ताज का नया बिल्डिंग है और दूसरे साइड में ये पुरानी बिल्डिंग। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको लगभग आधे से एक घंटा लग सकता है और यदि बोट का फेरी ले रहे हैं तो 2 घंटे के आसपास समय लग सकता है। और यदि बोट के लिए वेट करना पड़ा तो अकॉर्डिंगली उसके टाइम आपका घट बढ़ सकता है। सीधा चलते रहो। ये बाहर से मैंने आप लोगों को गेटवे दिखाया, अभी अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अंदर चेकिंग पॉइंट होता है और अंदर आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत सारा भीड़ होता है। और यहाँ से लोकल बोट का फेरी भी होता है और एलिफेंटा भी जाने के लिए होता है, तो आपकी मर्जी जो करना है। यहाँ सिर्फ फेरी लेना है या एलिफेंटा जाना, वो देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं प्राइवेट बोट भी हैं, यार्ड भी हैं, और ये बोट हैं जो कि जाते हैं एलिफेंटा। और दूसरे साइड में ये ताज होटल। तो अब हम लोग गेटवे से टर्न ले लिए हैं, अब यहाँ से सीधे जाएंगे मरीन ड्राइव। रास्ते में आएगा जहांगीर आर्ट गैलरी, मैं बाहर से ही दिखाऊंगा, मैं सब कुछ बाहर से ही दिखा रहा हूँ, कहीं पर हम लोग रुक नहीं रहे हैं। आप जहाँ जितना देर रुकेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम लगेगा। अब यहाँ से टैक्सी से भी जा सकते हैं गेटवे से और बस से भी। हम लोग दूसरे साइड से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलाबा कॉजवे। ये अंदर जो देख रहे हैं ये शॉपिंग का एरिया है, ये बिल्डिंग और उसके पिलर के बीच में जो गैप है, यहाँ स्ट्रीट पर बहुत सारे कपड़े और इन सब की दुकानें लगती हैं, बालियों के और कान के जो झुमके वगैरह होते हैं उसका बहुत सारा दुकान लगा हुआ है। उसको फिर कभी पूरा डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल दूर से ही दिखा रहे हैं, ये सब इसका दुकान है। इसको कोलाबा काजवे बोलते हैं, गेटवे से लगकर ही है, यहाँ पर आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। दूसरे साइड में नॉर्मल दुकानें हैं तो इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है। यह है जहांगीर आर्ट गैलरी। यदि आपको म्यूजियम में इंटरेस्ट है तो यहाँ आकर थोड़ा समय बिता सकते हैं, पुरानी चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं। और इस जगह को बोलते हैं काला घोड़ा, ये काला घोड़ा के नाम से इस जगह को जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ काला घोड़ा का एक मेला भी लगता है फेब्रुअरी मंथ में, तो काफ़ी मतलब एक थीम बेस्ड होता है, काफ़ी अच्छा मेला रहता है। गेटवे से थोड़ी दूरी पर आपको ये मिल जाएगा, सीएसटी और गेटवे के बीच में ये जगह है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मरीन ड्राइव। यहाँ से ही थोड़ी दूरी पर नरीमन पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत होता है मरीन ड्राइव का और ये आगे चला जाएगा चौपाटी तक। ये स्ट्रेच लगभग 4 किलोमीटर का होता है।
यहाँ कहीं पर भी आकर बैठ सकते हैं, 4 किलोमीटर का एरिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नरीमन पॉइंट से ही शुरू करें, गेटवे से 1 से 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। यहाँ पर चर्च गेट से भी आ सकते हैं, नरीमन पॉइंट के साइड से भी आ सकते हैं, मरीन लाइन से भी आ सकते हैं। अब यदि वहाँ से टैक्सी से आ रहे हैं तो 22 रुपये के आसपास लगेगा, और यदि बस से आ रहे हैं तो कुछ 5 से 10 रुपये लगना चाहिए। BST यहाँ की बसेस है लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, वो आपको इजीली मिल जाएगी। और मरीन ड्राइव से साउथ बॉम्बे का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। किसी भी वक्त में आएंगे यहाँ पर आपको भीड़ ही मिलेगा, काफ़ी क्राउड रहता है। यदि वीकडे वीकेंड पर आते हैं, जैसे आज सैटरडे है इसलिए तो ज़्यादा भीड़ है, वीकडेज में आएंगे तो भी भीड़ होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। ये जो स्टेज देख रहे हैं ये कल के तैयारी के लिए है, मैराथन होने वाला है उसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ये चौपाटी आ गया, ये मरीन ड्राइव का एंड पॉइंट है, नरीमन पॉइंट स्टार्ट है, और यहाँ आकर चाट पकोड़े का आनंद ले सकते हैं। मुंबई का जो लोकल स्ट्रीट फूड होता है, भेलपूरी, सेवपूरी, पानी पूरी, ये सब इसका आनंद लेते हुए चौपाटी पर घूम सकते हैं और फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे हैंगिंग गार्डन, गणपति विसर्जन यहाँ पर होता है, और भी बहुत सारे जगह पर होता है लेकिन जो मुंबई के फेमस गणपति पंडाल होते हैं वो यहाँ पर ही लाकर अब मूर्तियों को विसर्जित करते हैं। ये वाल्केश्वर का रास्ता है, यह हैंगिंग गार्डन एरिया है, मुंबई का पॉश एरिया है, सबसे पॉश एरिया में से एक है। ये यहाँ का पार्क शुरू हो जाता है, ये गार्डन, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ये हैंगिंग गार्डन ये हिल के ऊपर है, सामने क्लॉक देख सकते हैं, और ये एंट्रेंस है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं सुबह सुबह, उन बहुत सारे फॉरेनर्स की गाड़ियाँ, टूरिस्ट की गाड़ियाँ होती हैं। और ये दूसरे साइड का है कमला नेहरू पार्क, हैंगिंग गार्डन आगे दूर तक है, और एक सेक्शन में बच्चों को खेलने के लिए भी हैं, और ये फेमस शूज हैंगिंग गार्डन का। और ये दूसरा एंट्रेंस, एग्जिट और एंट्रेंस दोनों होता है, कॉमन है। ऊपर जाकर ये गार्डन है, थोड़ा सा ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है, बनाया गया है, बहुत सारे स्टैचूज वगैरह लगे हैं, मतलब ग्रास से बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल जगह है। हैंगिंग गार्डन आपको आना चाहिए, आकर यहाँ थोड़ा फैमिली के साथ टाइम पास कर सकते हैं। यदि कम समय है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसका एक नज़ारा देखते हुए आप जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा समय बैठ कर बिता सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से हाजी अली चल रहे हैं, हम लोग पेडर रोड पर आ गए हैं, और पेडर रोड पर एज यूजुअल शाम के समय में काफ़ी ट्रैफिक होता है। ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस सामने से जो गाड़ी आ रही है वहाँ से ही महालक्ष्मी मंदिर जा सकते हैं। ये जो मंदिर दिख रहा है ये महालक्ष्मी मंदिर नहीं है, इससे अंदर जाने के बाद मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़ा ही दूरी पर है, वहाँ से मंदिर जा सकते हैं। और यहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हाजी अली है, हाजी अली से महालक्ष्मी मंदिर के पीछे का जो भाग है वो दिखाई देता है। ये हाजी अली का एंट्रेंस है दरगाह पर जाने के लिए, हाजी अली ज्यूस सेंटर, और ये हाजी अली है। अंदर जो रास्ता है उस पर बहुत सारे दुकानें भी रहते हैं, कपड़े वगैरह के छोटे छोटे, और लेडीज़ लोगों के कान की बालियां वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आगे दरगाह है,
और थोड़ा ये समंदर के अंदर जाकर है। तो इस तरह से हम लोग चर्च गेट से शुरू किए थे, सीएसटी होते हुए गेटवे गए, मरीन ड्राइव गए, फिर हैंगिंग गार्डन होते हुए हम लोग यहाँ हाजी अली आ गए। हम लोगों को लगभग 2 घंटे के जितना समय लगा, बाइक से थे इसलिए, और हम लोग बाहर से देखे। यदि आपको पूरा देखना है, अंदर जाकर रुकना है, ये सब करना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन तो पूरा आपका लग जाएगा। 10 बजे से शुरू करेंगे तो 7-8 बजे 9 बजे तक आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं कोस्टल रोड बन रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। इसको बनने के बाद ट्रैफिक अंदर का काफ़ी कम हो जाएगा, ये चर्च गेट से शुरू होकर सीधे कांदीवली जाएगा, तो काफ़ी अच्छा बन रहा है प्रोजेक्ट। ये हाजी अली का दरगाह आप पीछे देख सकते हैं। तो इस तरह से एक दिन में आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यदि सिर्फ यहाँ हाजी अली दरगाह आना है तो महालक्ष्मी एक स्टेशन है, वहाँ से आप यहाँ के लिए आप आ सकते हैं। वहाँ से टैक्सी वगैरह उस स्टेशन पर आ जाइए, वहाँ से लोकल टैक्सी पकड़ कर यहाँ आ सकते हैं। हैंगिंग गार्डन जाना है तो ग्रैंड रोड उतर कर वहाँ से टैक्सी लेकर या बसेस वगैरह से आप हैंगिंग गार्डन जा सकते हैं। और ऐसे ही यदि सीएसटी तो ऐसे ही ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, और वहाँ से गेटवे जाना है तो टैक्सी और बस, हर तरह से आपको सुविधा यहाँ पर साउथ बॉम्बे में मिल जानी है। यदि आप मुंबई आ रहे हैं तो पूरे प्रिपरेशन के साथ आइए और इसको देखकर एंजॉय करिए। और ऐसे ही दूसरे साइड में भी हैं, बहुत आगे भी अभी जा सकते हैं, वर्ली वगैरह और फिर साइंस म्यूजियम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस इतना ही साउथ बॉम्बे के टाउन एरिया को सिर्फ हम लोगों ने कवर किया। तो बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस यहाँ पर कर सकते हैं साउथ बॉम्बे में, समंदर के किनारे किनारे ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी परिस्थिति हो डटे रहिए। बाय बाय, मुझे लोग ऐसे देखते रहते हैं। चलिए बाय बाय।